हे गाइस, तो हम बड़ी दरिया गए थे। वहाँ पे ये लेज़र शो देखा हमने और बहुत अच्छा था। वहाँ का वेदर और एक्चुअली वहाँ ग्रीनरी भी बहुत अच्छी थी और वेदर भी काफ़ी अच्छा था। हम गए थे तो और देख सकते हैं कैसे इतने अच्छे से वहाँ पे छत्तीसगढ़ी नृत्य प्रस्तुति का भी दिखा रहे लेज़र शो में सब कुछ। सीजी का है पूरा गाइस। बड़ी तरिया सीजी छत्तीसगढ़ रायपुर में है, वैसे कुम्हारी में है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये सब जगह देखा। यहाँ पे ये बच्चे इंजॉय करते हुए झूले और ये फाउंटेन वगैरह, ये तालाब और ये सब बच्चे लोग यहाँ पर। वो ब्लैक शर्ट में, मेरा नीस ब्लैक टी शर्ट में। और यहाँ पे हम ट्रेन में भी बैठे, जिसमें कि ये ट्रेन तीन राउंड घुमाते हैं हमें। और अच्छा था ट्रेन भी, दीदी जी जो के साथ बहुत मज़ा आया। और मेरा नीस अथर वो भी बहुत मस्त इन्जॉय किया, उसका काफ़ी मन था यहाँ आने का। और थोड़ी देर बाद मेरा भाई पीछे वाली सीट में शिफ्ट हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरे आ चुके थे। और ये कलरफुल देख सकते हैं, कलरफुल वाटर, ये फाउंटेन बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे शाम के समय ऐसे सब जगह घूमना अच्छा लगता है। फैमिली के साथ आओगे तो बहुत मस्त लगता है ये सब घूमना यहाँ पे। इस जगह मेरा एक बार और आने का मन है वैसे, क्योंकि अच्छा था यहाँ का वेदर भी, कितना अच्छा था। हम निकले थे तो ठंडा ही था और यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पूरा देख सकते हैं वाटर फाउंटेन कलरफुल। इसमें काफ़ी अच्छा था, ठंडा ठंडा सा था वो जगह, मीन्स अच्छा था ये जगह। और ये हम लोग सेल्फी लेते हुए, और हम फिर से कभी यहाँ आने की प्लानिंग करेंगे ये सोचे हैं। और ये जगह देख सकते हैं कितना लाइट है यहाँ पे, ये सारे लाइट्स हैं तो कितना कलरफुल सा भी थोड़ा लग रहा है जगह। मुझे तो यहाँ पे घूम के बहुत मज़ा आया। यहाँ का ट्रेन भी अच्छा था, बच्चे लोगों का स्पेशली फेवरेट। कितने सारे बच्चे भी हैं इसमें देख सकते हैं, जो कि ट्रेन इंजॉय कर रहे हैं। कलरफुल लाइट फाउंटेन और ट्रीज, ग्रीनरी, प्लांटेशन तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा है। और फिर कभी ऐसी जगह आने का प्लान बना तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और यहाँ का फूड स्टॉल भी बहुत अच्छा है, वो भी सब कुछ मिलता है वहाँ पे, चाइनीज़ और डोसा इडली सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि कितने लोग आए हैं उस दिन, जिस दिन तो हम जब गए हैं कुछ मतलब 400-500 लोग रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हर डेज़ के हिसाब से वीक डेज़ में और ऑफ डेज़ में अलग अलग दिन में लोग आते हैं। जैसे कि सैटरडे संडे थोड़े ज़्यादा लोग आते हैं, लाइक थाउजेंड्स टाइप से कुछ, और बाकी डेज़ पे कम लोग दिखेंगे, लाइक 100-400 टाइप से। ये मेरा न्यूज़ इन्जॉय करते हुए, से बहुत पसंद है ये सब। और ये मैं से काफ़ी देर तक देखते रही और अपना बचपन याद कर रही थी, क्योंकि मैं भी बचपन में ऐसे झूला और ये सब मुझे बहुत पसंद था। झूले में तो मेरे को ये सब तो मैं इसके लिए ज़रूर जाती थी, मेले वगैरह और राज्योत्सव ये सब कुछ हुआ करता था वहाँ पर पहले।
और बच्चे लोगों के साथ तो अच्छा ही लगता है। अभी भी जब जाओगे तो ये सब देख के ऐसा लगता है खुद भी एक बार फिर से ये बच्चे वाली चीज़ें इंजॉय कर लूँ। और मुझे फिर जाने का मौका मिला यहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी। वैसे ये जगह बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए तो मस्त ही है। और यहाँ का लोकेशन भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, ओपन ओपन टाइप सा। और ये इंजॉय करते हुए मेरा नीस बहुत क्यूट है थर, और ये बच्ची ये चढ़ पा रही है कि नहीं देख रहे हैं इसके घर वाले और कंटिन्यूस बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जाना पीता ऐसे करके बच्चे को ये सब अथर को। और